फार्मूला। अभी इससे पहले हमने आपको बताया था कॉची इंटीग्रल थ्योरम, उसमें ये था कि अगर एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है तो उसका इंटीग्रल जीरो होता है। लेकिन अभी इससे पहले एक चीज और भी बताई थी कि कभी कभी एफ जेड इंटीग्रल नहीं होता है एनालिटिक, तो उसकी वैल्यू जीरो नहीं होती है। तो जब जीरो नहीं होगी तो क्या वैल्यू होगी, वो इस फार्मूले से निकालते हैं। तो देखिए लिखा है कॉची इंटीग्रल फार्मूला में, इफ एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ क्लोज कर्व सी एंड ए इज एनी पॉइंट इनसाइड सी, ए इज एनी पॉइंट इनसाइड सी, देन वेयर फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। अगर ए सी के अंदर है तो उस वक्त फंक्शन एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, एफ ए इज इक्वल टू दी वन अपॉन टू पाई आई क्लोज इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। इसी तरीके से एफ डैश ए इज इक्वल टू दी हो जाएगा वन अपॉन टू पाई आई क्लोज इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर डी जेड। इसी तरीके से एफ डबल डैश ए हो जाएगा वन अपॉन टू पाई आई क्लोज इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल क्यूब डी जेड। अब टू सो ऑन एफ एन ए इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई आई और क्लोज इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस वन डी जेड। ये तब फार्मूले अप्लाई होंगे जब आपका एफ जेड एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। इसके में नोट भी लिखा है कि अगर आपके कई पॉइंट आते हैं ए वन ए टू ए थ्री अंदर बनते हैं तो वो अलग अलग भी ब्रेक होता है, यानी क्लोज इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू दी क्लोज इंटीग्रल सी वन एफ जेड डी जेड प्लस सी टू एफ जेड डी जेड प्लस सी थ्री, इस तरीके से ये है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर के जो फार्मूले हैं ये वहां पे अप्लाई होंगे जहां पे फंक्शन एनालिटिक फंक्शन नहीं है। तो एक न्यूमेरिकल देखिए, नीचे लिखा है इवैल्यूएट द इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल सी ई की पावर टू जेड अपॉन जेड माइनस टू डी जेड वेयर सी इज द सर्किल मॉड जेड इज इक्वल टू दी थ्री। तो एक सी सर्किल है जिसकी वैल्यू क्या है, मॉड जेड इज थ्री है, तो नीचे देखिए जेड माइनस टू टू रखने पे जीरो हो जाएगा यानी इंफिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एफ जेड जो है एनालिटिक फंक्शन नहीं है। लिखा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द गिवन फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट जेड इज इक्वल टू दी टू, टू पे एनालिटिक फंक्शन नहीं है, देन